दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे मैं अभी नोट्स के अंदर हूँ नोट्स के अंदर कोई भी हम यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए कोई भी चीज़ हम यहाँ, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड बिल्कुल स्टेलिस यहाँ पे देखने को मिला जैसे यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको जो है स्टेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है तो ये आप अपने स्मार्टफोन में भी जो है कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे पूरा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है सिंपली आपको एक ऐप्स की जरूरत पड़ेगी जो कि योर एल ई डी की यहाँ पर आपको एक ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नहीं तो आप यहाँ से प्ले स्टोर से भी यहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ योर एल ई ठीक है यहाँ पे सर्च कर रहा हूं योर एल कीबोर्ड ठीक है यहाँ पे, पे मैं सर्च किया यहाँ पे आपको दिख रहा है योर एलईडी कीबोर्ड यहाँ पे मैं इसे सर्च कर दे रहा हूँ सर्च करने के बाद देख सकते हैं जो फर्स्ट में आपको एक जो है एल ई वाला एक ऐप्स आपको देखने को मिला है इसे आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना है तो मैं इसे यहाँ पर पहले से अनइंस्टॉल करता हूँ फिर से मैं इसे इंस्टॉल करूँगा मैं आपको दिखाऊँगा ठीक है कैसे सेट करना ठीक है आपको इसे यहाँ जो है यहाँ से इसे, इसे इंस्टॉल करना है तो इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ थोड़ी ही देर में बस हो जाएगा ये हो चुका है तो आपको क्या करना है पूरा लास्ट तक वीडियो देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हम लोगों को पंद्रह हज़ार सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करने हैं पंद्रह हज़ार तो जल्दी से फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड कलर का नीचे एक बटन आ रहा है सब्सक्राइब का उसे प्रेस कर लीजिएगा तो यहाँ पर इस ऐप्स को ओपन करते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इसका इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा तो सिंपली आपको इसे टर्न ऑन करना है देख सकते हैं नीचे आपको एक टर्न ऑन का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है इस पर क्लिक करना है आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये बता रहा है कि एक कहाँ पर इस तरह का आपको देखने को मिलेगा इसे टर्न ऑन करना है ओके पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये रियलई डी पे ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है तो इसको आपको सिंपली इसे टर्न ऑन कर देना है यहाँ पे इस पर क्लिक करना है फिर आपको ओके कर देना है फिर से एक बार ओके करना है आपका ये ऑन हो जाएगा फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ठीक है सेलेक्ट करेंगे आपको फिर से ओके करेंगे फिर से आपको कीबोर्ड बोर्ड कीबोर्ड है तो आपको यहाँ पे इस पर सलेक्ट कर देना है और एल ई डी की बोर्ड कर देना है सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इनपुट समथिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एल जो है एल ई डी की बोर्ड यहाँ अप्लाई हो जाएगा काफ़ी बेहतरीन एल ई है कहीं से भी कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आप अगर नोट्स में भी जाएंगे व्हाट्सएप पर भी जाएंगे कहीं पर भी चैट करने की सी से तो आपका वही वाला की जो है ओपन होकर आ जाएगा जैसे मैं अभी नोट्स के अंदर जा रहा हूँ देख सकते हैं नोट्स के अंदर आ जा रहा हूँ यहाँ पे ओपन होकर आ जा रहा है तो काफ़ी बहुत ही बेहतरीन है ये कीबोर्ड बोर्ड अपने आ, कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस में इसे अप्लाई कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा इस वीडियो का लाइक करके रखते हैं ट्वेंटी लाइक पच्चीस लाइक ज़रूर से आप लोग कम्प्लीट कर दीजिएगा और चैनल को अभी का जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में